आपको गाडोलिया लोहार के बारे में, आज आपको उस जाति के बारे में पूर्णतः बताएंगे। और ये लोग आज भी देखते हैं कि कहीं कहीं घूम घूम के अपना व्यापार करते हैं, घूमते हैं और अपने अपना काम पूरी तरह से ईमानदारी और निष्ठा के साथ करते हैं। आइए आज हम इनके बारे में बताएंगे आपको, और गाडोलिया लोहार क्यों क्यों घूमते हैं, जगह जगह घूमते हैं, इसके पीछे क्या राज हैं, इन सभी बातों का आपको पूर्ण तरह से जवाब मिलेगा। आइए हम इनसे पूछते हैं। आइए सर, सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका बहुत बहुत इसलिए धन्यवाद है कि आप बताने के लिए राजी हुए। और आप ये बताइए कि आपका जाति का जो आप घूम घूम के अपना व्यापार करते हो, घूम घूम के धंधा करते हो, तो इसके पीछे क्या कारण है? ये काफ़ी दर्शकों के मन में ये प्रश्न उठता है कि इस क्या कारण है कि ये लोग घूम घूम के अपना धंधा करते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? आप थोड़ा कैमरामैन के बोलो, थोड़ा नीचे जाओ। मैं घूम कर यूँ ऐसे धंधा करता हूँ साहब के, घूम कर ऐसे धंधा करता हूँ कि हमारे सीतोड़ से हराफ लगा हुआ है, तो मैं नेहरू जी वन टाइम गांधी जी ने नेहरू जी राज करता वन साल थी लगावे ने, मैं वापिस से देखो सीतोड़ नहीं गया, ठीक है। तो वो हमारे माता जी ने पूछा कि भाई जाओ कहते ऊंधा मौसा गाल के घूम कर घूमने खाओ, और हाथ में आहुना का खप्पर दे दिया कि कमा के खाओ ने और मजा करो, कोई टाइम समय आवेला तो वापिस है देखो ते घर बोन ने बैठोला, कोई टाइम आवेला राज आवेला राजधानी आवेला तो नीतर थे यूज कमावे ने खाओला। आज हमारे टाबर भी फटते भी नहीं है, हमें घूम कर जाती है हमारी बात ना, कोई हमारी हुनवाई भी गवर्नमेंट में नहीं करता है, कोई सरपंच नहीं करता, कोई मुंशी जी नहीं करता, कोई पटवारी नहीं करता, कोई सीआई नहीं करता, कलेक्टर कोई हमारी हुनवाई नहीं करता कर सकता, ठीक है। मैं निपल गाँव में निवासी हूँ, मोने कम से कम मनी आज 45 साल हुआ बारे घूमता ने, हमारा पिताजी ने 80 साल हो गया फिरता ने, ठीक है। हमारी सुविधा कौन करे साहब यहाँ? तो मैं अपने सरकार से भी एक हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि एक ये जाति जो गाडोलिया लोहार है एक ईमानदार जाति है, जो अपना पूरा पसीना और मेहनत से रोजी रोटी कमाती है, तो आप उनकी तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए, इनके बच्चों की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए, ताकि ये भी जाति आगे बढ़े दूसरे जातियों की जैसे। अच्छा सर, हमारा दूसरा प्रश्न ये है कि महाराणा प्रताप जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, संघर्ष और वीरता की कहानी महाराणा प्रताप हर कोई जानता है, तो आप अपने सुनने में आया है कि महाराणा प्रताप को ये जाति जो लाहौर जाति हैं उसका अपना आदर्श मानती हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है आप बताइए सर, आप महाराणा प्रताप को इतना आदिल मानते हैं सर? महाराणा प्रताप साहब हल्दी घाटी रे मैं शहीद हो गया तो मैं पीछे क्या रह गया, हमें अबार मेरा हमारा राजा वो जिंदा था, जिंदा रह जाता महाराणा प्रताप अबार जीतिया होता हल्दी घाटी में तो अभी हमारा भी सहयोग करता, महाराणा प्रताप तो जो राम शरण हो गया हमारा शहीद कौन कर सकता, जिन कारण से हम घूम कर फिरता हूँ। एक यही जो लोहार जाति हैं जिन्होंने महाराणा प्रताप के जब जंगल में आए थे तो उन्होंने इन जातियों के लोगों ने इनके पूर्वजों ने इनका भरपूर सहयोग किया था, और आज ये जाति आज भी मेहनत से धंधा करती हैं, व्यापार करती हैं, जगह जगह जाती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान से जाती हैं और अपना ये कामकाज करते हैं, अपने बच्चों का भरण पोषण करती हैं। सो सर, आप एक बताइए सर कि अपने आप अपना धंधा मतलब क्या तकलीफ क्या आती है आपको धंधा करने में, आप क्या तकलीफ आती है आपको? तकलीफ कोई नहीं साहब, ये धंधा हमें अगला धंधा सफा बंद हो गया साहब, अबे मशीन वापर की हमें हाथरा में हाथ मेहनत करना रहा, धंधा सफा बंद हो गया, नित्र पहला कूट बिकती, दातलडा बिकता, नैदौन करवाने कहीं बिकती, सब चीज बिकता, अबे सब मशीनों रहा कौम में मशीनों आएगी, देखो सब मशीन होती है, देखो कौम भेजा है, अबे हमारा धंधा कौन करावे, मैं ठीक है पौना खुला करावे साहब। हाँ, इनका कहना है कि जो जो आधुनिकीकरण हुआ है, नए नया तकनीक आई है सर समाज के अंदर, तो इसके कारण इनका धंधा काफ़ी चौपट हो गया है, अब उतना पहले जैसा धंधा मजूरी नहीं रही है, अब बहुत मजूरी कमी हो गई है, चूँकि अब आधुनिकीकरण आ गया है, नवीनतम जमाना आ गया है, लोग इन चीज़ों का यूज़ थोड़ा कम करने लगे हैं, तो इनके कारण इनके व्यापार में बहुत समस्या आने रही हैं। तो सर अब ये बताइए सर कि आप जो बाहर जगह जगह जाते हो, घर का पता नहीं रहता है, सोने में भी समस्या आती है, सर्दी के मौसम में, बरसात के मौसम में, और पतझड़ ऋतु में, क्योंकि राजस्थान भी एक गर्म प्रदेश है, काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो इनके बारे में आप अपना दर्द बयान कीजिए। मैं साहब धरती पर होता हूँ, लकड़ी लाइने तापता हूँ, ज़्यादा ये मर जाऊँ तो लकड़ी थी तापता हूँ यूँ, और ऐसे को रात्रा भी वादी लगाई ने वहाँ रात्रा भी तापना पड़ता है, और
ऐज को धंधा वारती ऊट ने धंधा करता हूँ और टाबरियों ने पालन पोषण कराओ ने बैठा हूँ, बीजो क्या कहीं करो साहब। बिल्कुल सर, आप देखिए मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा कि इनका घर बताइए, यहाँ कोई अपना इनका घर नहीं है, ये बाहर सर्दी के मौसम में इतनी ठंड के मौसम में सोते हैं और गर्मी के मौसम में इतनी तेज़ यहाँ राजस्थान में गर्मी पड़ती है तो इतना ये कोई पंखा वगैरह ये कोई यूज़ नहीं करते, तेज़ गर्मी में भी रात बिताते हैं, पूरा दिन व्यापार करते हैं, मेहनत करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, तो आप जान ही गए होंगे इनका जीवन बहुत कितना कठिन है सर। तो सर हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे और आपके बच्चे क्या पढ़ाई करते हैं सर? नहीं करे साहब, हमारा बच्चा पढ़ाई भी नहीं करता है, हमारे जैसा काम धंधा करता है, वे कोई पीपा बीजा करता है, कोई बेसन जाता है तो वो 200 400 500 रुपया लाए ने वे मजदूरी करे ने पेट भरता हूँ साहब। तो आपको मेरी तरफ से आप सलाह है कि सर आप अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते, थोड़ा बहुत पढ़ाइए बच्चों को और हो सकता है। बताऊँ साहब तो हमारे धंधा भी नहीं है, घरे रहा गाँव में रह तो धंधा भी नहीं है, बाहर धंधा बंद हो जाता है, धंधा बंद हो जाता है तो मैं बोरुंदे जाता साहब, बोरुंदे धंधा बंद जाता है तो मैं इंदावट जाता हूँ, इंदावट धंधा बंद जाता है फिर मेटता करने जाता हूँ। चूँकि कि गढ़ोले लोहार इनका एक स्थान फिक्स नहीं होता है, ये जगह जगह घूमते हैं और अपना व्यापार करते हैं, तो इसके कारण इनके बच्चों का भी भविष्य बहुत ही पढ़ी, क्योंकि एक जगह रहने से इनका बच्चों को पढ़ाई नहीं मिल पाती है और घूमने फिरने से क्या इनके बच्चे का पढ़ाई जो विस्तारित रूप से सुचारू रूप से नहीं चल पाती है, तो बच्चों की शिक्षा पर बहुत ही इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो इस रिपोर्ट के माध्यम से आप जान ही गए होंगे कि गाडोलिया लोहार का जो जीवन है कितना कठिन है, कितना संघर्षपूर्ण जिंदगी है और ये कितना दुख में अपना जिंदगी व्यापन करते हैं और कितनी मेहनत और ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। तो आज आप हमारे चैनल में आए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने आपकी जाति का कहीं जो चीज़ें हैं आपने हमारे सामने बयान की और आपने कुछ अपना दुखड़ा भी बताया और सरकार से भी हम आपसे विनती करते हैं कि आपकी जाति का ऊपर थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि देश आज़ाद होने के बाद कहीं काफ़ी समय बीत चुका है और उसके बाद भी हमारी ये जाति कई दिनों से हम देख रहा हूँ घूम फिर रही है और अपना व्यापार कर रही है, तो इनके थोड़ा बहुत आप इन जाति पर कोई सहयोग दीजिए और हम इसी उम्मीद के साथ आगे एक और नई रिपोर्ट के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारी रिपोर्ट आपको पसंद आती है, हमारा काम आपको पसंद आता है और ऐसी ऐसी चीज़ें आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल पर आप कमेंट कीजिए और बताइए कि हम आगे भी ऐसा नया कौन सा वीडियो बनाएं जिससे आपको और भी नॉलेज मिलता रहे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना तो दोस्तों भूले ही नहीं, क्योंकि आपके शेयर करने से हमारा जोश बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है ताकि हम और भी नए नए वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।